बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी को परदेस गर्ल के नाम से जाना जाता है। 90 के दशक में महिमा चौधरी की खूबसूरती पर्दे पर छाई रही। महिमा उन एक्ट्रेसेस में से हैं जो बॉलीवुड में दस्तक देते ही छा गई थी। हालांकि कई सालों से वो बॉलीवुड की दुनिया से गायब हैं। साल 1997 में डायरेक्टर सुभाष घई की फिल्म परदेस से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली महिमा सिंगल मदर हैं। अपने पति से तलाक के बाद महिमा अपनी बेटी आर्याना चौधरी की देखभाल खुद करती हैं। इसी बीच अब महिमा की बेटी आर्याना की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें इस कदर वायरल हो रही हैं कि उनमें साफ जाहिर होता है कि आर्याना एकदम अपनी मां जैसी खूबसूरत दिखाई देती हैं। महिमा की बेटी आर्याना हूबहू अपनी मम्मी की तरह दिखती हैं। महिमा की बेटी अब टीनेजर है। वैसे तो आज महिमा बॉलीवुड से दूर हैं, उन्होंने फिल्म में काम करना बंद कर दिया है, लेकिन महिमा फिलहाल अपनी जिंदगी में माँ का रोल बखूबी निभा रही हैं। अपनी बेटी के साथ अपने मदरहुड को एंजॉय करते हुए खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ एक्ट्रेस अपनी फैमिली संग अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हैं। बॉलीवुड करियर के अलावा महिमा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही। साल 2006 में महिमा ने बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी की थी। कहा तो ये भी जाता है कि महिमा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और शादी के कुछ महीनों बाद उन्होंने अपनी बेटी को जन्म दिया था, लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई थी। साल 2013 में दोनों अलग हो गए थे। पति से अलग होने के बाद एक्ट्रेस महिमा चौधरी मुंबई में ही अपनी बेटी आर्याना चौधरी के साथ रहती हैं। एक्ट्रेस अकेले ही बेटी की परवरिश कर रही हैं। सिंगल मदर होने के बावजूद अपनी बेटी आर्याना की परवरिश महिमा ने बहुत ही नाजों से की है। 47 साल की हो चुकी महिमा अपनी बेटी और मम्मी के साथ मुंबई में अकेली रहती हैं। हालांकि कभी कभार उन्हें कुछ पब्लिक इवेंट्स में बतौर गेस्ट शिरकत करते देखा जाता है। सिंगल मदर होने की वजह से महिमा चौधरी का फिल्मों में काम करना काफी मुश्किल था। पैसे कमाने के लिए वो इवेंट्स में जाने लगी, साथ ही रियलिटी टीवी शोज करने लगी, जिससे उनका फिल्मी करियर खत्म हो गया। बता दें कि अपनी डेब्यू परदेस फिल्म में वो शाहरुख खान के साथ नजर आई थी। पर्दे पर ये फिल्म खूब हिट साबित हुई थी। इसके बाद महिमा ने दाग द फायर, प्यार कोई खेल नहीं, कुरुक्षेत्र, लज्जा, ये तेरा घर ये मेरा घर और ओम जय जगदीश जैसी फिल्मों में काम किया। कई हिट फिल्मों के बाद भी महिमा इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाई। महिमा सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से जुड़ी हुई हैं और वहां काफी एक्टिव हैं। वो इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं। साल 2015 में उनकी फिल्म मुंबई द गैंगस्टर रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर की पत्नी का रोल निभाया था। इसके बाद साल 2016 में वो फिल्म डार्क चॉकलेट में नजर आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉन्ट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।